हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल। सो जैसे कि आपको पता है कि आपके आईसीएसआई के एडमिट कार्ड कल इशू हो चुके हैं, बट दे आर लॉट ऑफ कंफ्यूजन आउट देयर। मेरे पास काफ़ी बच्चों की कमेंट्स आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि उनके साथ अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हुए हैं इस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करते वक्त। ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ बच्चों के साथ क्या हुआ है एरर कि उन्होंने जैसे 3 मॉड्यूल दिए हैं तो उसमें सिर्फ 2 पेपर प्रिंट होके आए हैं, 2 पेपरों की डिटेल प्रिंट होके आई है। थर्ड पेपर ऑनवर्ड्स कुछ है ही नहीं। किसी का ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज होके आया है, किसी का सेंटर जो पहले था वो चेंज होके बहुत दूर पड़ गया है। तो देखो, जो सेंटर वाला इशू है, अगर किसी बच्चे का सेंटर जो हमेशा पड़ता था उसके अलावा कोई दूर सेंटर पड़ा है तो उसमें तो देखो कोविड का देखते हुए उन लोगों ने शायद परमिशन ना दी हो या कुछ है, तो इसलिए आपका दूर पड़ गया है। तो उसमें तो कुछ परेशानी होनी नहीं चाहिए। थर्ड जो बच्चों को आ रहा है कि हम कितना पेज इसका प्रिंट करें एडमिट कार्ड का, टोटल 10 पेजेस हैं, आपको 2 प्रिंट करने हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पेज नंबर 2 जिसपे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसमें लिखा हुआ है कि ये कंपल्सरी है और ये सबमिट होना है ऑन द वेरी फर्स्ट डे, दैट इज 21/12/20। ठीक है, तो आपको 2 पेजेस इसके प्रिंट करने हैं और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको पूरा सबमिट करना है। अब देखते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में क्या है। टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट टू सुपरिटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ हिज और हर एग्जामिनेशन। फर्स्ट जो 21st है उसको ही सब बच्चों को फर्स्ट डे इसको ड्यूली साइंड, अपना ड्यूली साइन, किसी से अटेस्ट नहीं कराना, ना तो एडमिट कार्ड ना सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, कोई अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि इसके रिगार्डिंग में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। नाउ अब मैं आपको ये फिल करके बता देती हूँ। सबसे पहले यू हैव टू राइट योर नेम इन कैपिटल लेटर्स, से फॉर एग्जांपल अंकिता अग्रवाल। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आपका रोल नंबर अपना इशू हुआ है एडमिट कार्ड में वो आप लिखोगे। फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन अपनी देनी है कि जैसे ये तो आपने रीड कर लिए सारे इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट से आपको अपने बारे में बताना है, येस और नो लिखकर इन दी बॉक्सेस। बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, नो। मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ। बीन अंडर सेल्फ आइसोलेशन और क्वारंटीन, नो। फ्लू लाइक सिम्टम्स, नो नो, सब में नो नो। ठीक है, बीन इन क्लोज कॉन्टैक्ट, नो। Travel the following cities country in last 14 days prior to arriving this, no. Now ये आपको blank छोड़ना है अगर आपका यहाँ पे no है, अगर yes है तो आप you have to write. I will wear mask, face mask, maintain social distancing and hygiene at all times at examination center. I have carefully read the instructions to the candidate as annexed to the admit card and I undertake to abide by the same. तो यहाँ पे आप date डालोगे कब की, 21/12/20, प्लेस आपका जो भी सेंटर है, और यहाँ पे आपने सिग्नेचर कर दोगे। ठीक है, सिर्फ आपका यही फॉर्म है, यहाँ से आपको प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट 2 पेजेस यू हैव टू प्रिंट। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये स्टेपल मत करना, अलग अलग लेना क्योंकि ये सबमिट हो जाएगा फॉर्म और ये एडमिट कार्ड आपके पास रहेगा। ठीक है, नाउ अब कुछ और चीज़ें भी हैं इससे रिलेटेड। देखो, ये जो इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस हैं इसके ऊपर मैंने प्रीवियसली वीडियो बनाई है, एज सच इसमें कुछ नया नहीं है, वही की वही है, बट इसमें भी कुछ बच्चों की क्वेरीज आ रही थी तो मैं आपको वो बता देती हूँ कि क्या क्या था। मैंने आपको पहले बताया कि 2 पेजेस आपको प्रिंट करने हैं, फर्स्ट 2 पेजेस यू हैव टू प्रिंट। ठीक है, सेकेंड, कुछ बच्चों का एग्जीक्यूटिव का प्री टेस्ट नहीं दिया या क्लियर नहीं हुआ बट तब भी उनको एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं। एडमिट कार्ड इशू हो गए हैं विदाउट प्री टेस्ट। तो अटेंशन, आपको एग्ज़ाम नहीं देना है बिकॉज इसमें लिखा हुआ है साफ साफ इंस्ट्रक्शंस में कि अगर आप तब भी एग्ज़ाम देते हो तो इट विल कंसिडर्ड एज नो, मतलब नॉट अपियर्ड। ठीक है, नॉट अपियर्ड डिक्लेयर हो जाएगा। इसलिए अगर प्री टेस्ट नहीं हुआ है, इशू हो गए हैं तब भी एडमिट कार्ड्स, तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गिव द एग्जाम्स। ठीक है, थर्ड, अटेस्टेशन नहीं है रिक्वायर्ड। ठीक है, अटेस्टेशन रिक्वायर्ड नहीं है। और डिक्लेरेशन में तो इन्होंने सब कुछ पूछ लिया है, तो और कुछ नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये इतनी बड़ी जो इन्होंने रामकथा लिखी है इसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं, ताकि कोई भी बच्चा अगर कैसी भी चीज़ें थोड़ा सा नहीं करता है तो वो लायबल है। देखो इसमें लास्ट में लिखा हुआ है इन्फ्रिंजमेंट अगर किसी टाइप का होता है, जो भी ये डिक्लेरेशन है, ठीक है। इसमें OMR का भी दे रखा है, तो वो तो आपको पहले पता होगा। अगर फर्स्ट टाइम बच्चे दे रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसको रीड कर लेना। इसमें लिखा हुआ है कि infringement of any of these instructions shall render the candidates liable to disciplinary action, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आप, अगर आपको पता है। वैसे इसमें कुछ नहीं है। देखो इसमें यह भी लिखा है कि इन केस ऑफ एनी कैंडिडेट फील्स अनवेल और एनी डिफिकल्टी ही शुड इमीडिएटली रिपोर्ट टू द सेम टू द इन्विजिलेटर और सेंटर सुपरिटेंडेंट, ठीक है। ऑन कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशंस The candidates will permitted to move out in a systematic manner, one candidate at a time. Please wait for the instructions from invigilator to and do not get up from your seat until advised, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हैं, और इसी का अगर कोई infringement होता है तो वो आपको liable कर सकते हैं और आपका cancel कर सकते हैं exam। तो आप इस तरीके से अगर आपको कोई क्वेरी आप एक बार पढ़ सकते हो। वैसे इसमें कुछ नहीं है। इससे रिलेटेड मैंने जो कोविड इंस्ट्रक्शंस की जो वीडियो बनाई थी वो भी मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर स्टिल आपकी क्वेरीज हैं, लाइक किसी का प्रिंट नहीं हुआ है, किसी का कुछ है, और आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है, तो आप कैसे कांटेक्ट करोगे? देखो सबसे पहले सपोर्ट, जो आपकी वेबसाइट है support.icsi, तो आप मेल लिखो विद योर एडमिट कार्ड फोटो अटैच्ड, कि आपका एडमिट कार्ड ऐसे आया है, ठीक है। पहला यू हैव टू राइट द मेल विद द प्रूफ एडमिट कार्ड का। सेकंड, आप कॉल कर सकते हो, जो आपकी स्टिमुलेट पे जो कॉल है 0120-455-22, मतलब आप चेक कर लेना, स्टिमुलेट के ऊपर है ये नंबर, तो आप ये दूसरा काम कर सकते हो। और स्टिमुलेट पे ही आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। तो इन तीन तरीके से आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो टाइमली। और देखो अगर ऐसी कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, कुछ भी हुआ है, तो आप श्योरिटी रखो कि इंस्टीट्यूट से जवाब आएगा और बहुत जल्द आएगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ जो है कि कुछ एरर्स आ रहे हैं एडमिट कार्ड में, वो इंस्टीट्यूट तक पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ है, तो वो टाइमली रिजॉल्व कर देंगे इंस्टीट्यूट। तो इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अब क्या करना है, ये तीन काम करने हैं। आई एम डैम श्योर कि इस तरीके से आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो जाएगी विद इन 24 आवर्स। और अपना पढ़ने में ध्यान लगाओ और कुछ भी नहीं सोचना है कैसा भी, ठीक है। सेकेंड साइकिल, थर्ड साइकिल सब छोड़ दो, अभी के लिए प्रिपेयर रहो और अपना 100% दो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट for your exams, and do share, like, subscribe to my channel. अगर कोई भी क्वेरी है स्टिल आप मुझे DM कर सकते हो या फिर YouTube पे इन कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच।